40 में 39 सीट जो है वो एनडीए ने पिछले चुनाव में जीता था, उसमें 17 सीट जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी ने जीता था। नीतीश कुमार एनडीए से बाहर आए तो 17 सीट तो ऐसे ही कम हो गया भारतीय जनता पार्टी का। आपका और नीतीश कुमार का, आरजेडी और नीतीश कुमार का, या बाकी जो 5 पार्टियां हैं उनका जो गठबंधन है, अगर उसका आधार एक साथ जो है मजबूती के साथ खड़ा हो जाए तो हमको लगता है कि 40 सीट में आप आराम से 35 सीट, 34 सीट, 36 सीट जो है जीत सकते हैं। जो सामाजिक आधार है आप खुद देखिए, कहना पड़ा, उन्होंने समय दिया था, रणविजय साहू ने उनके साथ बातचीत करके तय करके ही जो है ये आज के दिन का कार्यक्रम तय किया था। अब लेकिन अब मुख्यमंत्री का ही गुलाहट हो गया, उनको जाना पड़ा। बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, ये लोकसभा का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम देश में लोगों को एकता करने के लिए हम घूमेंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सब लोग एक हों, इसकी हम कोशिश करेंगे। ये बहुत शानदार बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में 40 लोकसभा का सीट है, 40 में 39 सीट जो है वो एनडीए ने पिछले चुनाव में जीता था, उसमें 17 सीट जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी ने जीता था। नीतीश कुमार एनडीए से बाहर आए तो 17 सीट तो ऐसे ही कम हो गया भारतीय जनता पार्टी का। आपका और नीतीश कुमार का, आरजेडी और नीतीश कुमार का, या बाकी जो 5 पार्टियां हैं उनका जो गठबंधन है, अगर उसका आधार एक साथ जो है मजबूती के साथ खड़ा हो जाए तो हमको लगता है कि 40 सीट में आप आराम से 35 सीट, 34 सीट, 36 सीट जो है जीत सकते हैं। जो सामाजिक आधार है आप खुद देखिए, खुद देखिए, आप यहाँ इतनी बड़ी तादाद में यहाँ उपस्थित हैं। रणविजय साहू ने बोला कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ 20,000, 25,000, 30,000 वोट नहीं हो। उसी तरह से जादव समाज का है, मुस्लिम समाज का है, अति पिछड़ा लोगों का है, ये सब एक साथ अगर खड़ा होकर के वोट डाल दे तो आप समझिए कि मैंने 40 में, मैंने 40 आप जीत सकते हैं, अधिकांश सीट जो है आप जीतिएगा, और उसका नतीजा होगा कि आप रोका जा सकता है, बिहार से जो है रोका जा सकता है मैंने नरेंद्र मोदी के सरकार को बनने का, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में इनको घटना है, महाराष्ट्र में इनको घटना है, कर्नाटक में इनको घटना है, पिछले चुनाव में 18 सीट इनको मैंने बंगाल में मिल गया था, वहाँ भी घटने की खबर जो है आ रही है। तो उसमें अगर 39 सीट वाला प्रदेश जो है उसमें 35-36 जो है परास्त कर देता है तो उसका नतीजा होगा कि इनको बहुमत जुटाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुमत जुटाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साथियों, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उस चुनाव को चुनौती मानकर चलना चाहिए, और हमको लगता है कि अभी से ही नेता को फुर्सत नहीं भी मिलता है। अगर सचमुच आपको लगता है कि दिल्ली में जो हुकूमत बैठी है ये हुकूमत देश के हक में काम नहीं कर रही है, किन लोगों के हक में काम कर रही है, मनोज झा ने आपको बताया, अभी जो अडानी साहब का के बारे में आया है, अद्भुत है भाई, ऐसा भी इस देश में हो सकता है, इसकी कल्पना नहीं थी, इसकी कल्पना नहीं थी। लेकिन किसी का मुंह नहीं खुल रहा है, न प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, न गृह मंत्री बोल रहे हैं, न वित्त मंत्री बोल रही हैं, कोई जो है इसका जवाब नहीं दे रहा है, कैसे हो गया। और ये सब लोग जानते हैं कि स्टेट बैंक से जो पैसा गया, जीवन बीमा निगम से जो पैसा गया, या पब्लिक सेक्टर का जो यूनिट है उसने जो उनका शेयर खरीदा, ये बगैर राजनीतिक दबाव के संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। LIC में किसका पैसा लगा हुआ है, स्टेट बैंक में किन लोगों का पैसा लगा हुआ है, हमारा पैसा, गरीबों का पैसा, एक दो दो पैसा बचा करके जो है जो बैंक में जमा करते हैं उनके पैसे को इस तरह से आप लुटवा रहे हैं, ये हालत हो गई है। तो साथियों, ये बहुत ही खतरनाक दौर में देश है, और इसको बचाने की जवाबदेही हमको लगता है कि बिहार के हाथ में सबसे ज़्यादा है, बिहार पर ही दुनिया की नज़र है, दुनिया की नज़र। हम देख रहे थे दिल्ली में चर्चा हो रही थी, उस चर्चा में ये बात आ रहा था कि बिहार जो है अगर मोर्चाबंदी कायदे से रोके तो अगली सरकार बनाने में 9 दिया तेल जलाना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए साथियों, आज के दिन हम इससे अधिक कुछ कहना नहीं चाहेंगे। आप लोगों ने जो संकल्प लिया है और जो भाषण हमने सुना है यहाँ इस मंच से आप लोगों का, उससे हमको यकीन है कि बगैर परवाह किए हुए पार्टी का नेता क्या कर रहा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, समाज के अंदर ये जो देश विरोधी सरकार है, जो गरीब विरोधी सरकार है,
बेरोजगारों के खिलाफ सरकार है, समाज को बांटने वाली जो सरकार है, इस सरकार को अगले चुनाव में उन्हें हटाने के लिए पूरे बिहार के लोग एक होंगे और हमको पूरा यकीन है कि एक होंगे तो निश्चित रूप से आप देखिएगा सरकार का कदम लड़खाया जाएगा, औंधे मुंह सरकार गिनेगी और एक नई सरकार जो है बनने की संभावना पैदा होगी। इसी अनुरोध के साथ मैं आप लोगों को पुनः बधाई देते हुए